नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के टिकट जो हैं लोकसभा चुनावों के, विधानसभा चुनावों के, आखिरकार इतने लंबे समय तक क्यों लटके हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जो एक चर्चा उभर कर आई है कि इसके पीछे यही कारण है कि जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं आपस में राय जो है वो बन नहीं पा रही है, और यही कारण है वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से अकेले चलना चाह रहे हैं, अकेले खेलना चाह रहे हैं। वो अभी भी दिल्ली चले गए वो अकेले, और हाईकमान को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभाव में लेने की कोशिश की कि टिकटों का फैसला कर दिया जाए। दो टिकट कमेटी के जो दो सदस्य हैं, पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उनको बाद में दिल्ली बुलाने की कोशिशें भी हुई जैसा कि हमें पता चला है वो फोन पे कि आप आ जाइए दिल्ली, लेकिन दोनों तब तक अपने टूर प्रोग्राम घोषित करके चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में निकल चुके थे। प्रतिभा सिंह ने तो 30 तारीख तक का टूर प्रोग्राम अपना निकाल रखा है, जिससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री क्या अब अकेले ही टिकटों का फैसला लेंगे, क्योंकि दिल्ली में फिर एक बैठक हुई, बैठक हालांकि सीईसी की बैठक नहीं थी, वो बैठक हाईकमान के नेताओं के साथ हुई और फिर ऑनलाइन जोड़ा गया दोनों नेताओं को, प्रतिभा सिंह को और मुकेश अग्निहोत्री को, और कुछ तीन विधानसभा के तीन टिकटों पे सहमति बन गई कि वो टिकट थ्रू कर दिए गए। उनमें मुख्यतः बताया जा रहा है कि कैप्टन रंजीत सिंह को सुजानपुर से, विवेक शर्मा को अपना कुटलैड से, और राकेश कालिया को गगरेट से, और बाकी जो तीन टिकट हैं उन पे राय बन नहीं पाई किसी की। लोकसभा के लिए भी लगभग फाइनल हो गया है, हो सकता है कांगड़ा में कोई नया चेहरा कांग्रेस पार्टी दे, और अल्टीमेटली हमीरपुर में सतपाल राय जादा पे ही राय बन रही है। तो लेकिन हाईकमान क्यों आपस में, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है हाईकमान, उनको इकट्ठा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि एक बड़ा झटका सरकार को लगा, सुक्खू सरकार को, उसके बाद भी सब अलग अलग चल रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रकाश ठाकुर जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकेश आष्टा जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पठानिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी सचिव हैं ये, वो हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो प्रकाश ठाकुर जी, आप देख रहे होंगे कि भाजपा टिकट अनाउंस करके भी घर घर एक राउंड वो लगा चुकी है, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं कोई एकला चलो की बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे पे सब कुछ छोड़ दिया जाए, और दो नेता रूठ के बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, तो ये क्या गुल खिलाएगा ये। जी प्रकाश जी। नमस्कार पथरिया जी, हिंदुस्तान लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। पथरिया जी, कांग्रेस के लिए एक या कह लीजिए कि ये पहला चुनाव है जो अपने जो काम है उनके बलबूते लड़ा जाएगा। कांग्रेस आज तक राजा वीरभद्र सिंह की छत्र छाया में पली बढ़ी, एक लंबा समय उन्होंने 50 साल का एक लंबा समय राजनीति में उन्होंने निकाला, और उनके जाने के बाद भी जो चुनाव, पिछला चुनाव लड़ा गया, उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम, उनका काम, उसी को आधार बनाकर वो चुनाव लड़ा गया और उसका लाभ जो है वो कांग्रेस को मिला। पिछला चुनाव हाईकमान के निर्देश पर संयुक्त नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें जो प्रचार समिति के अध्यक्ष थे सुखविंदर सिक्खू, उनको बनाया गया, साथ में प्रतिभा सिंह अध्यक्ष, मुकेश अग्निहोत्री, ठाकुर कौल सिंह, ऐसे कई वरिष्ठ नेताओं की एक कोलिशन में वो चुनाव लड़ा गया जी। लेकिन जब सरकार आई तो उसके बाद जो समन्वय समिति जो चुनाव लड़ने के लिए बनी थी, वो सरकार बनने के बाद लगभग गौण हो गई, और वो जो आपस में सरकार में और संगठन में जो तालमेल होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, और वो जो आपस में जो संगठन में तालमेल गायब हुआ उसकी एक बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी। 43-40 उसके अपने सदस्य थे, 30 उसको निर्दलीय, 3 उनको निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, 43 लोगों की जो उनको समर्थन प्राप्त था, आज 14 महीने आते आते एक हालात ऐसे बन गए हैं कि
वो आंकड़ा उलट गया है, 43 के 34 हो गए हैं जी, और 9 लोग सरकार से रुष्ट होकर, 3 निर्दलीय थे उनका कोई नहीं है, वो तो किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन 6 लोग अपने छोड़कर इस पार्टी को छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप एक राज्यसभा की सीट जो पक्की थी वो हाथ से गई और सरकार पर बहुत बड़ा संकट आ गया जी। और इसके बावजूद आज हालात ये हैं कि सरकार चुनाव घोषित हो गया है, तिथि डिक्लेयर हो गई है, लेकिन इतने लंबे समय में, और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, इसमें तीसरे को कोई स्थान नहीं है, और सरकार का मुकाबला एक इलेक्शन मशीन के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक मशीन की तरह काम करती है, ऑलवेज बटन ऑन जी, उसमें उसमें कोई तैयारी की उनको जरूरत नहीं होती है, उनका एक संगठन है और वो हमेशा उसकी ओवरहॉलिंग करते रहते हैं। कांग्रेस में हालांकि मुख्यमंत्री संगठन का प्रोडक्ट है, जो आज की लीडरशिप कांग्रेस में है उसमें संगठन में जितना अनुभव सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है उतना अनुभव किसी के पास भी नहीं है। वो छात्र संगठन से आए, NSU से आए, युवा कांग्रेस की राजनीति की, और स्थानीय निकाय में निर्वाचित हुए, उसके बाद विधायक आए, विधायक बनने के बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मतलब स्टूडेंट के भी स्टूडेंट यूनिट का भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ विंग का भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक लंबा अनुभव है, और अब सरकार के भी मुखिया हैं। लेकिन और एक आशा की जा रही थी कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर बने हैं तो उनके रहते हुए संगठन और सरकार इनमें एक अभूतपूर्व तालमेल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन गलतियों का खमियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ा है। और आज हालात ये हैं कि टिकटों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 6 विधायकों को टिकट देकर, लोकसभा के अपने 4 विधायकों को, 4 लोगों को टिकट देकर सांसद के लोकसभा का चुनाव भी पूरे जोर शोर से लड़ रही है और उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर भी जोर लगाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक इसी चक्कर में उलझी है। 2 टिकट उन्होंने घोषित किए हैं और 2 में खींचतान चली हुई है, इसे लड़ाया जाए उसे लड़ाया जाए, और 3 टिकट अभी तक फाइनल बताए जा रहे हैं कि उपचुनाव के लिए हुए हैं, लेकिन उसमें भी जब तक वो घोषित नहीं हो जाते तब तक आप कह नहीं सकते कि वो भी पक्के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे में उलझे हुए हैं ये। हाँ, तो मतलब ये जो कांग्रेस के हाथ का जो 5 उंगलियां हैं, 5 एक पंजा उनका जो निशान है, वो एकजुट नहीं है, 5ों उंगलियां अलग अलग है, वो अभी तक मुट्ठी नहीं बन पाई है, और जब तक वो मुट्ठी बंद नहीं होगी तो जो इलेक्शन मशीन भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेगी, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल पठानिया जी, आप सुन ही रहे होंगे, प्रकाश ठाकुर जी ने पूरा बताया कि क्या कमियां चल रही हैं आपकी पार्टी में और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री अकेले टिकटों का फैसला करना चाहते हैं, चर्चा है, हर जगह चर्चा है, आपके कांग्रेस के अंदर चर्चा है, विपक्ष के अंदर चर्चा है, और पहले भी अकेला चल के नुकसान सरकार का देखा जा चुका है और अब अफोर्ड नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी कि शीर्ष नेतृत्व उसका अलग अलग दिशा में चले, और यही हो रहा है, और अब टिकटों के लिए इसी वजह से देरी हो रही है। तो आप इलेक्शन के लिए कंपेन में पूरी तरह कब उतरेंगे? अभी तो हल्का फुल्का कंपेन शुरू हुआ है कुछ पिछले 2-4 दिन से। जी अमित जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे कि प्रकाश जी ने सारा कुछ विस्तार में बताया है, मैं आपकी 2-3 बातों का उत्तर दूं, उससे पहले मैं आपको कल की मुकेश जी की एक बात सुना दूं कि पत्रकार को ही खबर आती है, पत्रकार के द्वारा, किसी भी चैनल के द्वारा आती है खबर कि फलाना व्यक्ति लड़ रहा है, फलाना व्यक्ति बाहर हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो पत्रकारिताओं के आधार पे ही टिकटें डिसाइड नहीं होती है और ना ही अकेले डिसाइड होती है। हमारी सारी औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस कमेटी में थी,
और उनकी चर्चाएं सारी चुनाव की चर्चाएं सारी टिकटों की चर्चा वहां पे हो चुकी थी, परंतु कुछ टिकटों के ऊपर जो बाई इलेक्शन जो चुनाव जबरदस्ती जो इस प्रदेश के ऊपर जो धकेला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन सीटों पर के ऊपर कई भाजपा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, क्या उनके ऊपर टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए इसके ऊपर विचार अवश्य हुआ है और विचाराधीन है वो बातें, इसलिए वो देरी हुई है, अदरवाइज नहीं तो मैक्सिमम जो टिकटें हमारी फाइनलाइज हो चुकी हैं और आज नहीं तो हमारी कल 27-28 तारीख को हमारी ईसी है, कल सीईसी में हमारी जो फाइनलाइजेशन जो कमेटी है उसमें मोहर लगेगी और आपके सामने शाम तक कल शाम तक आपके सामने वो लिस्ट जारी हो जाएगी, उसको आधार मान के हम चर्चा करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए तथ्य पे बात रखना तथ्य पे बोलना वो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई शोभा देता है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, क्योंकि विचारों की बात हो तो बात होती है, आप किसी तथ्यों के ऊपर बात रखें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल भी है और संगठन में लंबा अनुभव भी है, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी लंबा अनुभव है, उन्होंने 5 इलेक्शन लगातार जीते हैं, उन्होंने एक साफ स्पष्ट रूप में कहा है कि किसी भी की सर्वे के आधार पे जो टिकटें डिसाइड होंगी वो नहीं तय करेंगे कि टिकटें कैसे तय होंगी, तो हमें मालूम है वो टिकटें कैसे तय होनी और कब होनी है। रही बात प्रचार की, हम 15 महीने से सरकार में थे, लोगों ने हमारी सरकार का कार्यकाल 15 महीने में देखा है, कुछ 2-3 महीने जो डिस्टर्बेंस जो रही इस सरकार में, जो भाजपा के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था वो भाजपा के द्वारा ही सामने आया है। देखिए भाजपा ने उनको खरीदा, जो मुख्यमंत्री जी बार बार सभी कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर वो कह रहे हैं कि जो बिकाऊ विधायक हैं वहाँ के, हमारे विधायक जो हैं बिकाऊ हुए वो बीजेपी में गए और बीजेपी ने उनको जाते टिकट दे दिया, क्योंकि उनकी डील हो रखी थी कि आप हमें वोट करिए राज्यसभा में, हम आपको भाजपा में लेंगे, उसके बाद हम आपको CRPF भी देंगे, उसके बाद हम आपको संगठन भी देंगे अपना, और उसके बाद हम आपको अपनी टिकट भी देंगे। तो ये तो उनकी कार्यप्रणाली जो है लोगों के सामने आ गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है पूर्णता तैयारी है, बूथ स्तर के ऊपर हमारी लोगों की तैयारी है। रही बात टिकटों की, वो कल मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी वापस आ जाएंगे, कल CEC की बैठक है तो उसमें प्रभारी जी और जो भी नेतागण वहां पे बुलाए जाएंगे वो जाएंगे और उसके ऊपर फाइनलाइजेशन जो कमेटी है CEC वो कल फाइनल कर देगी टिकटें, कल नहीं तो परसों आपके सामने वो टिकटें कैंडिडेट आ जाएंगे, ये मैं आपके द्वारा चैनल के द्वारा कहना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब। जी अमित जी, आप कह रहे हैं कि कल CEC की बैठक है, लेकिन मैं आपकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 30 तारीख तक अपना टूर प्रोग्राम घोषित करके निकल चुकी हैं प्रचार पे, और तो क्या वो कल की बैठक में जाएंगी, क्योंकि वो सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, प्रदेश की अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं नहीं डॉक्टर साहब संशय बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे खींचतान है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी ऐसे संशय नहीं बना हुआ है, फाइनलाइज सारी टिकटों के ऊपर चर्चा काफी दिनों से हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले जो शीर्ष नेतृत्व से मिलने गए थे वो भी बात हो चुकी है। रही बात कल मीटिंग होती है, देखिए क्या है कि अभी आज जिन प्रदेशों के चुनाव थे तो 2 दिन पहले जो जहां तक स्टार कंपेनर्स जाने थे वो चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका टूर पे थे, क्योंकि उनके आज सारी कर्नाटका के लोकसभा इलेक्शनों पे वोटिंग है, वो अपने प्रदेश में थे तो कहीं ना कहीं बाहर सारे के सारे अपने लीडरशिप जो थी बाहर थी। आज शाम तक जो कल अगर CEC कल होती है तो कल अवश्य जाएंगे प्रतिभा सिंह जी, आए तो मुख्यमंत्री जी भी आए तो प्रदेश के दौरे पे हैं, डोडरा कुवार में गए शिमला संसदीय क्षेत्र। मैं वही देखिए अभी तक CEC की जो बैठक थी वो 28 तारीख की, हो सकता है पोस्टपोन, देखिए मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया होगा कि अभी 2 दिन नहीं होगी या 1 दिन नहीं होगी, तो उसी हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने भी अपने प्रदेश का टूर बना लिया, तो वो टूर बनाना और CEC की बैठक का दोनों एक मिश्रण नहीं किया जा सकता है। देखिए आप भी अब काफी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश को बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आपको भी मालूम है कि शक के आधार पे और लॉजिक कोई बात हो उसके दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। आप कब मीटिंग है फाइनलाइज है, आपके पास भी डाटा नहीं है कि फाइनल मीटिंग कब 28 को है। आपने जानकारी दी है मुझे तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए 28 की बैठक, मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब की 28 की बैठक थी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को और प्रतिभा सिंह जी को मुकेश अग्निहोत्री जी को कह दिया हो कि 28 की जगह हम 29 को कर रहे हैं, तो 1-2 दिन का वो लीडरशिप जो अपने टूर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आजकल दिल्ली पहुंचना कौन सा बड़ी मुश्किल है, अभी शाम को बैठो चंडीगढ़ उतरो, चंडीगढ़ से आप फ्लाइट ले लो,
तो मुख्यमंत्री जी और चाहे कोई भी हमारे नेता है वो अवश्य उस बैठक में होंगे, और शायद कल नहीं होगी तो परसों बैठक होगी, तो एक दो दिन में हमारी जो बैठक होगी वो कम संपन्न होगी, और एक दो दिन में हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्रदेश के सामने आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब जी, संजय जी, ये टिकटों का जो है, टिकटों को लेके बड़ा मतलब एक अलग तरह का माहौल, कहीं नेतृत्व की राय आपस में मैच नहीं कर रही, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं चर्चा करते हैं, वहीं पे बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े जाते हैं बड़े नेता, तो ऐसी ऐसी चर्चाएं कांग्रेस में चल रही हैं, क्योंकि टिकट जो कहा जा रहा है कि ये अभी तक नोटिफाई करना, किसी लिस्ट को अधिसूचना जारी करना वो नहीं हुई है, लेकिन तीन प्रत्याशियों को कह दिया गया है, तीन रोक लिए गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तीन में कुछ विवाद है जो लग रहा है, और पार्लियामेंट की दो सीटों पे भी विवाद है, जो पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि किसी को कहा जा रहा है तो वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, दो जगह आपने देख लिया, तो कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बड़ी भयंकर चली हुई। जी संजय जी, डॉक्टर साहब देखिए, जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी को केवल एक राजनीतिक दल के नाते इसके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि हम प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है इस समय, हम सत्ता में नहीं है प्रदेश में, इसलिए हमारी नजर है इनके ऊपर। लेकिन किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है, कब बैठक करनी है, कब नहीं करनी है, किसको जाना है, किसको बुलाना है, ये सब इनका आंतरिक मामला है। लेकिन निश्चित तौर पे पूरे संशय की स्थिति और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इस समय हास्य का पात्र बनी हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं हास्य का पात्र बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह का मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार विधायकों ने पहले किया है, कुछ छोड़ के चले गए हैं, कुछ भीतर रहते हुए भी व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री स्वयं एक हास्य का पात्र जो है वो कांग्रेस की राजनीति में और कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में बन करके उभरे हैं। और इनका मुझे लगता है कि अगर ये सरकार 4 जून के बाद अगर ये सरकार कुछ समय के लिए चली भी तो मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे या नेतृत्व बदलेगा, ये भी प्रदेश के अंदर जो है ये एक प्रश्न चिन्ह, इसके ऊपर भी सरकार के अस्तित्व के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो उसको ये सारी स्थिति जो है, और मुझे नहीं लगता है कि इस सारी स्थिति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, ये केवल और केवल एक व्यक्ति सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं जिम्मेदार है, जिन्होंने संगठन का भी और सरकार का भी इस धरातल पे ला करके उसको खड़ा कर दिया है। ये पहली सरकार देश की ऐसी होगी कि 15 महीने के अंदर सरकार का तिया पांचा किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बल्कि कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों ने और कांग्रेस में रह रहे व्यक्तियों ने किया है। उस मुख्यमंत्री को आप क्या कह सकते हैं जो 43 के आंकड़े से 34 के ऊपर पहुंच जाए लेकिन अपना अखड़ स्वभाव, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी एक छत्र नेतृत्व नहीं रहा है। यहाँ की राजनीति जो है वो हमेशा, आपने भी देखा होगा और हम भी कॉलेज समय से देखते आए हैं कि यहाँ की राजनीति कांग्रेस पार्टी का संगठन गुटों के भीतर चलता है, चाहे वो विद्या स्टोक्स का हो, चाहे वो जेबीएल खाची रहे हो, चाहे रामलाल ठाकुर रहे हो, तो ये अपना अपना एक कुनबा लेकर के चलते थे। एक समय था, आपको याद होगा 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन वीरभद्र सिंह 8 के उसमें एक छोटे से विधायक दल में जो है वो विधायक दल का नेता नहीं बन पाए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय विद्या स्टोक्स को नेता प्रतिपक्ष जो है वो विधानसभा के अंदर बनाया था। तो वही चीज सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। सुक्खू जब छात्र नेता रहे हैं, जब एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट थे, तब भी इनको एक कुनवे का, क्योंकि दूसरी तरफ ये वीरभद्र की इच्छा के बिना बने थे इसलिए इनके पैरेलल एक संगठन जो है वो एनएसयूआई का चलता रहा। जब ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब इनके पैरेलल चलता रहा, जब ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने तब भी वीरभद्र सिंह ने कभी इनको अपना अध्यक्ष नहीं माना, उन्होंने हमेशा कहा कि ये तो कहीं ऊपर से बन करके आ गए हैं। तो इस तरह की राजनीति है, वही वही खुन्नस और वही अखड़पन जो इन्होंने
छात्र राजनीति में किया है, उसी अखड़पन से ये सरकार चलाना चाहते थे, लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चला करती हैं। और सरकारें जो है, सरकारों को चलाने के लिए जो है वो अनुभव चाहिए, वो अनुभव इनके पास एक काउंसलर का अनुभव था, और काउंसलर के आधारित राजनीति को ये प्रदेश के अंदर लागू करना चाह रहे थे, जिसमें ये पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। और केवल अपनी अखड़पन दिखाने के लिए ये अब चाहे सरकार की बलि चली जाए, लेकिन ये अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, और अपने जिनको ये कहते हैं कि मेरा कुनबा, उस कुनबे में से ही ये टिकट देना चाहते हैं। इनको जीत हार से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल अपनी आंतरिक जिसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो है वो जिस तरह से इनकी हाई कमान जो है वो अपनी आत्मसंतुष्टि और गांधी परिवार की स्तुति के लिए देश के अंदर काम करके देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को खत्म किया है, उसी तरह के कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में खत्म करने का श्रेय जो है वो मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलेगा। जी जी, आस्था जी जुड़े हमारे पास। आस्था जी, कहीं ना कहीं इतना बड़ा संकट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व एक होता नहीं दिख रहा है, जो उसका सरेआम इफेक्ट जो है कि टिकट आवंटन में अभी तक की जो देरी चल रही है उसी कारण चल रही है। और ये चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सारे टिकट मैं दूं। जाहिर है जो एक संकट आया उसके उस दौरान नेतृत्व परिवर्तन की भी बातें विपक्ष की ओर से भी चलाई गई, कांग्रेस की ओर से भी चली, मीडिया की तरफ से भी चली। जाहिर है ये छह लोग सुक्खू ऐसा चाहते हैं सीएम सुक्खू कि ये छह टिकट तो मैं कम से कम दूं, एमपी से तो मुझे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ताकि वो मेरे ही लोग। इसी चक्कर में ये सारे टिकट अभी तक रोके गए हैं या फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। जी चमन जी, माइक। देखिए राजीव जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में हमेशा अब अपने गुट तो हावी रहे हैं, खास करके भाजपा में थोड़े कम रहे हैं। ऐसा नहीं है, गुटबाजी हर दल में है, चाहे हमारा दल हो दूसरा दल हो, वो एक होना भी चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों को मैनेजमेंट भी में भी पढ़ाया जाता है, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस वो जरूरी होती है, और लीडरशिप में वो बाकायदे अगर आप देखेंगे तो जो भी कंपनी राजनीति बिना गुटबाजी के चल भी नहीं सकती, जो सही जाहिर है हर तरफ होती है लीडरशिप जो, लेकिन इसका दर ना हो जाए कि सरकार की कीमत पे ही तय हो जाए सारी चीजें, वो निखर के आती है। लेकिन जब वही चीज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन पे चलती है, तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब कम्पीट करना है अपनी, तो वहां पे आपको ऐसे लोग जाना चाहिए जो आपके साथ साथ दूसरों को भी समझते हो कि कंपटीटर मेरा कौन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, या हमारे लिए थ्रेट्स क्या है। अब अपने आपने अपने आप जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीति इतने लेवल पे नीचे जा चुकी है, अभी ये पर्सनैलिटी बेस्ड हो गई है। अब तो केवल और केवल मुद्दा एक ही रह गया है। और भाजपा जैसी पार्टियों से भी आप देखिए, जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पे स्थिति ये है कि इनको ऐसे लोग लाने पड़ रहे हैं राजनीति में, जो केवल और केवल राजनीति का दूर दूर तक जिनका कोई संगठन या राजनीति से लेना देना नहीं है, केवल उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो अगर ये ऐसी चीजें ना हो डेमोक्रेसी के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, तो अब हेमा मालिनी या मान लीजिए कंगना रनौत जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लाने की जरूरत ही क्या पड़ती। अब सुक्खू जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो लोकसभा चुनाव के लिए मुझे नहीं लगता बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, अदरवाइज अब तक उनको सिर्फ ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेरे लोग आए चुन करके। अगर छह में से उनके जो भी विधायक आएंगे वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि वो मेरे हो और वो किसी दूसरे के गुट के ना हो, चाहे वो बी के हो, सी के हो, डी के हो। उसका फायदा वो ये चाहते हैं कि उनका नंबर जब बढ़ेगा तो हाई कमान पे भी प्रेशर रहेगा, अपनी पार्टी के तो जो चाह रहे होंगे, जो जाना चाह रहे हैं कुछ लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया था और वो जो बाद में मुकर गए, तो उन पे दबाव बन जाएगा कि देखिए संख्या बल ज्यादा हो गया, भाजपा को भी चांस नहीं मिलेगा और आपके जो शीर्ष जो नेतृत्व है उसको ये मैसेज जाएगा कि ये लीडरशिप क्वालिटी अब जो नंबर्स के साथ साथ जो नंबर बढ़े हैं वो केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू के हैं। अब कांग्रेस को जितना ढीले ये कर रहे हैं इनके लिए नुकसान हो रहा है। भाजपा अपना देखिए एक महीने से तैयारी करने से पहले ही ये ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस करने से पहले ही फील्ड में जा चुके थे,
अब कांग्रेस अभी भी अभी तक क्या वेट कर रही है? भाजपा की एक आदत है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, संगठन उनका निरंतर कार्य करता रहता है, बैठ के करता रहता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, भाजपा तो ऐसा ही होता। देखिए लड़ाई के लिए जब अस्त्र शस्त्र है, भाजपा तो बैग भी हमेशा ही साथ रखती है कि कोई पता नहीं रास्ते में कोई नेता ही ना मिल जाए, तो खरीद फरोख्त के लिए भी तैयार रहती है, चुनाव के लिए तो तैयार रहती है भाजपा, साम रणभेद के साथ पूरा रहती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है वो कह रही है, जो की सांसद खुद रह चुकी है, उनके पति इतने बार रह चुके हैं, और कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम देखिए ना, इन लोगों ने पहले वीरभद्र जी को लड़वाया, एक खानदान को, एक फैमिली को, ये पूरी की पूरी तीन तीन जनरेशन में, अब ये क्या यही एक ही कैंडिडेट है, एक ही पार्टी से, एक ही मतलब कांग्रेस से, एक ही परिवार से आएगा? अब उनको अगले पुत्र को भी लड़ा रहे हैं, यही हालत आप बताइए। सुल्तानपुरी जी 6 बार वहां से सांसद रहे हैं केवल और केवल, क्या ये यही कांग्रेस में 17 विधानसभा में इनको क्या कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला? इतनी बुरी स्थिति में इनके हालत है। अरे कमाल है, इतने पढ़े लिखे लड़के आजकल मिलते हैं संगठन में, कईयों ने जूते जिंदगी अपनी दे दी है, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? केवल और केवल आप क्या ये कोई मापदंड है? अब ये भी चुनाव, अब 2 सीटों पे तो अभी तक आप देखिए, जो सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र है जहां पे कंपटीशन के लिए इनको रियली बहुत ही अच्छे से फाइट देने के लिए तैयार होना चाहिए, आपके पास महीना बचा है और अभी तक आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो। हाँ, कब कब 17 हलकों में कब कब घूमेंगे लोग, ये है दिक्कत है। चलिए विधानसभा में तो देखिए ना, विधानसभा के जो इनके कैंडिडेट हैं, जो भाजपा ले गई है अपने, वो सारे के सारे सड़क पे हैं, गलियों में हैं, अपने एक एक रूटों को मना रहे हैं, लोगों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं, अब ये लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वो कब भाजपा वाले इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये चीजें तो बहुत इतना डिले होगा तो भाजपा को तो फायदा ही है फिर। जी प्रकाश जी, वो कह रहा है ठीक बात बोली आजता जी ने, कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो 6 टिकट है मैच में मेरे ही लोग जीत के आए ताकि मेरा कुनबा बढ़े। वहीं पे संजय जी ने भी बात की कि कुनबे के नेता थे वो, वही वो मतलब एक कुनबे को लेके चलते रहे कहीं ना कहीं, और इसी कारण ये सारी स्थितियां पेश आ रही हैं। जी प्रकाश जी, पत्रिया जी, आप कांग्रेस की संरचना ही आप देखिए, आपको राष्ट्रीय स्तर से कुछ इसी तरह की लगेगी, और इसका सबसे भी बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस कभी भी संगठन बेस्ड पार्टी नहीं रही है, वहां पर व्यक्ति विशेष की ही पूजा होती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, गांधी परिवार के पीछे ही सारे लोग संगठित होते हैं। आज भी अगर खड़गे जी बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़े फैसलों के लिए वो भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की ओर ही देखते हैं जी। हिमाचल प्रदेश में भी हालात आप खुद देख चुके हैं, वर्षों तक 5 दशक तक वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुखिया रहे, मुखिया के तौर पर आगे रहे हैं। हालांकि कुछ समय के लिए पंडित सुखराम जी या विद्या स्टोक्स के या खाची थोड़े से उनके लिए एक चुनौती बनकर आए, लेकिन वीरभद्र सिंह ने उन लोगों को भी किसी ना किसी तरह, पंडित सुखराम को छोड़कर, किस विद्या स्टोक्स भी उनके पाले में आ गई, खाची भी उनके खेमे में आ गए, कहीं ना कहीं उन्होंने सबको मैनेज कर लिया जी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह मतलब कांग्रेस हो गई। आपको आपको पता होगा, जब पिछली बार भी जब एक जो वीरभद्र सिंह आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय उससे पहले ठाकुर कौल सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने किस तरह दबाव हाईकमान पे बनाया, केंद्रीय नेतृत्व को छोड़कर आए, और किस तरह हाईकमान के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया कि चुनाव से ऐन वक्त पहले वीरभद्र सिंह के हाथ में कमान आ गई। सारी तस्वीर पलट गई थी राजनीति की 1 माह में ही चुनावों से ठीक। हाँ, 1 महीने में वीरभद्र सिंह ने सारा सब कुछ पलट दिया, और सारी सब कुछ बाजी फिर वीरभद्र सिंह के हाथ में चली गई। और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर आए हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या ऐसा महसूस हो रहा है जो चल रहा घटनाक्रम? हाँ, मैं इसी और ही आ रहा था, क्योंकि वीरभद्र सिंह के समय में
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं, लेकिन आपने उन दौर में भी देखा होगा कि सरकार और संगठन दोनों कभी एक साथ नहीं चले, अलग अलग थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था बतौर अध्यक्ष, और जब कांग्रेस की सरकार अब सत्ता में आई है तो उसके बाद भी केमोबेश वही स्थिति है, स्थितियां उलट गई हैं। उस समय ऑकओवर मुख्यमंत्री हॉली लॉज में मुख्यमंत्री थे और राजीव भवन में कांग्रेस थी, आज उल्टा ही हो गया है। आज ओकओवर में, आज हॉली लॉज में कांग्रेस है और ओकओवर में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ओकओवर और जो इसकी हॉली लॉज की दूरी है वो अभी कम नहीं हुई है। जी बिल्कुल। और जब तक ये दूरी कम नहीं होगी तो कांग्रेस की जो ये हालत है प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह सुधर पाए। संगठन प्रतिभा सिंह बेशक संगठन की मुखिया रही हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पाई हैं। मंडी के अतिरिक्त वो शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में जा ही नहीं पाई है बतौर अध्यक्ष। आपने सरकार बनने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए प्रदेश में उनकी समय समय पर प्रदेश समिति की बैठक होती है, उनकी समय समय पर जिला जिला में बैठक होती है, समय समय पर उनकी मंडलों की बैठक होती है, कार्यक्रम उनके मोर्चों के कार्यक्रम चले रहते हैं। वो एक मशीन की तरह उनके वो पूरे एक्टिवेशन में रहती है। अमित जी भाजपा इलेक्शन मशीन की तरह काम कर रही है, ठीक बोला उन्होंने। वहीं पे एक अपेक्षा की जाती थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं क्योंकि वो संगठन का लंबा अनुभव है, संगठन और सरकार इकट्ठे चलेंगे। लेकिन प्रकाश जी ने ठीक कहा, दूरियां बरकरार बनी हुई हैं। वही संगठन की अध्यक्ष के नाते हॉली लॉज और ओकओवर के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत वैसी की वैसी बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं आया है, उसका ही असर इन सब चीजों में पड़ रहा है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, ये इस बात पे मैं सहमत नहीं जताता हूँ कि दूरियां बड़ी हैं। अगर दूरियां होती तो चुनावी मोड में हम नहीं जाते, अगर दूरियां होती तो हम प्रदेश में सत्ता नहीं, नहीं ये दूरियां ही तो आपको छह लोग आपके छिटक गए, ये दूरियां दिखी उस समय सब कुछ दिखाई। छह लोग, मैंने अभी आस्था जी ने कहा कि छह लोगों को जो जाने का जो सबसे बड़ा भारी भरकम बैग था वो लेके गए हैं, बाकी क्यों नहीं गए? जो प्रदेश का जो प्रदेश के साथ जुड़ा है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा, वो क्यों नहीं बताई गए? ये छह ही क्यों गए? इन्हीं को ज्यादा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 30-35 वर्षों तक संगठन में और संगठन में रहे, विधायक भी बने, उनको तो कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी मंत्री तक नहीं बनाया, तो उन्होंने कभी पार्टी छोड़ी? आपके द्वारा ही बोला गया, संजय जी के द्वारा भी बोला गया कि राजा वीरभद्र जी उनको पूरा दुनिया बना के रखते थे, तो उन्होंने तो पार्टी को नहीं छोड़ा। देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी में क्या है और कांग्रेस में अच्छा है, और कांग्रेस में अच्छा नहीं है और बीजेपी में बहुत अच्छा है, ये सारी है दोनों पार्टियां हैं। इसमें भी गुटबाजी तो दोनों तरफ है, गुटबाजी दोनों तरफ है, और कोई राजनीतिक दल छुपा नहीं रह सकता। लेकिन क्या सारे फैसले अकेले, सवाल हमारा यही था कि सारे फैसले अकेले लेने की कोशिश में, ये चर्चा है, हर जगह चर्चा चल रही है। नियम सुक्खू चाहते हैं कि मैं सब टिकट खुद दूं, मैं किसी को ना पूछूं। डॉक्टर साहब देखो चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी के विधायक, मतलब पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। चर्चा होना और वास्तविकता में काम होना वो बहुत फर्क है। मैं बार बार आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी डॉक्टर साहब आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अकेला फैसला ले दें। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में क्या कहा उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु वो तो उनकी बात है, वहां पे उन्होंने क्या कहा क्या बोला। सीसी की बैठक में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पे होंगी, आपके सामने होंगे। जब आप नेक्स्ट डिबेट में आएंगे तो आपके सामने वो टिकटें भी फाइनल होंगी। चलिए चलिए, वो बेहतर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए तो चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो उसका है वो टिकटों पे फैसला इसलिए नहीं ले पा रहा कि उनकी राय आपस में एक नहीं बन पा रही है,
और चर्चा ये भी चल रही है सियासी गलियारों में कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि सारे टिकटों का फैसला मैं करूं, और खासकर वो उनका जो इंटरेस्ट है वो 6 विधानसभा क्षेत्रों में है, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर एक भवंडर मचा था और अभी भी जो चल रहा है, भाजपा के जो प्रयास अभी भी चल रहे हैं कुछ लोगों को और तोड़ने के, CPS हैं जैसे, और इनके इनका मामला भी लंबित है, तो वो चाहते हैं कि 6 लोग ऐसे हों जो जीत के भी आए और मुझे ही समर्थन दे, मेरे ही लॉयल हों। ये एक जंग कांग्रेस के अंदर चली हुई है, यही कारण है कि अभी 3 टिकटों पे बताया जा रहा कि सहमति बन गई है, जो आज मीडिया में छपी रिपोर्टें हैं, लेकिन 3 टिकट लटके पड़े हैं और उन 3 टिकटों के दावेदार कहीं ना कहीं भाजपा से भी हैं, जो भाजपा से तंग होकर या जिनके पत्ते काटे गए हैं, पंख काटे गए हैं, वो लोग आना चाहते हैं, लेकिन सुक्खू नहीं चाहते। सुक्खू यही चाहते हैं कि मेरे लोग आए जो मेरे हों, बस यही चर्चा चल रही है हर जगह। तो अब कांग्रेस कब टिकटों का फैसला करेगी, उनकी बैठक में दिल्ली में क्या दोनों सदस्य प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी एक संशय बना हुआ है इस बात पे। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।